सर्दियां आई और घर पर लाल लाल गाजर का हलवा ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी। तो आइए जल्दी ही बनाना शुरू करते हैं ये गाजर का हलवा। मैंने यहाँ पर लाल वाली गाजर ली है जिसमें अगर ऐसे डंठल हो तो उन्हें हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम चॉपर या मिक्सी का यूज करेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी गाजर डालेंगे और गाजर को अब हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से गाजर चॉप हो चुकी है। इसी तरह से हम बची हुई सारी गाजर को चॉप कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हमने जो गाजर चॉप की हुई थी उसे कढ़ाई में डाल देंगे। जब तक कि गाजर का कलर चेंज ना हो जाए और गाजर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम गाजर को लो टू मीडियम हीट पर अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए गाजर जो है वो किस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और उसका कलर जो है वो भी पहले से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमने लगभग उतना दूध लेना है जितने में गाजर जो है वो लगभग डिप हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से दूध में केसर डालकर रख दिया था, उसे भी हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। केसर दूध जो है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम गाजर को दूध में भूनेंगे जब तक कि दूध जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, अच्छे से सूख ना जाए। तो ये देखिए दूध जो है वो काफी हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। साथ में इसी टाइम पर हम अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके भी लास्ट में डाल सकते हैं। इस टाइम पर हलवे में घी भी है और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए चीनी ने किस तरह से पानी छोड़ दिया है। अब हमें गाजर को अच्छे से भूनना है जब तक कि चीनी का पानी जो है वो अच्छे से सूख ना जाए। और अगर आपने केसर वाला दूध नहीं डाला था तो आप इस टाइम पर एक चौथाई छोटे चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो अच्छे से सूख चुका है। तो ये आपका गाजर का हलवा बनकर तैयार है। और अगर आपको गाजर के हलवे में मावे जैसा टेस्ट पसंद है तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अब हम मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। आप देखेंगे कि हलवा जो है वो धीरे धीरे कढ़ाई के बेस से अलग होने लग गया है और मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार है। ऊपर से इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और करेंगे इन सर्दियों में इसे एंजॉय।